धन्यवाद के बाद अलग जा रहे हैं। कैसे मानी सदा को मैं बोलता हूँ कोई मौसा उसका भी बयान आया था कि हमने सरकार के साथ कोई आम के गुलाम नहीं मानिएगा। उनका हर एक प्रोजेक्ट को कुछ कुछ रेकर्ड खराब रहा और हम लोग को सोचना पड़ेगा कि जब सब लोग हड़ताल में कोई खर्च नहीं मिल रहा और उस बीच में मालिक सरकार चला रहा है क्या करेगा भाई बताइए। देखो भगवान चला रहा है हाजिर पुरा के घर जाके सूखा अब हम लोग जो है उसको मेंबर बना के बैठे हुए बहुत ही पदाधिकारी भी बना के अब उस काम पर था हम ये लोग लोग गए थे हम लोग को जितने हम हमारे सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर और सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ जितने भी हमारे रीजनल ट्रेड यूनियन हैं एफिलिएटेड यूनियन हैं संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हमारे ऊपर के निर्देशानुसार हम लोगों ने कोल इंडिया में 2, 3, 4 जुलाई का हड़ताल का आह्वान किया गया था जिसमें हमारा 5 सूत्री मांग पत्र है जिसमें मुख्य हमारा ये देश के प्रधानमंत्री विगत 18 जून को जो कमर्शियल माइनिंग का जो वो आह्वान किए नीलामी किए कोल ब्लॉक का पहला फेज में 41 कोल ब्लॉक का नीलामी हुआ है और फिर व्यापक पैमाने में आगामी 22 अगस्त को और भी कोल ब्लॉक का नीलामी का तैयारी चल रहा है। तो हम लोग इसका पूर्ण रूपेण इसके खिलाफ कि ये वर्तमान भारत सरकार के घोर मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा की ओर से 2, 3, 4 जुलाई को हड़ताल का आह्वान किया था। आज हम लोगों का हड़ताल का तीसरा दिन है और हड़ताल 100% सफल रहा पूरे कोल इंडिया में और कोल इंडिया के साथ साथ तमाम कंपनी जो भी है CCL, BCCL, ECL, WCL, हमारा CMPDI, हमारा मार्गरेटा आसाम कोलफील्ड, ACCL और SCCL सभी जगह ये हड़ताल 100% सफल रहा। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में और कई जगहों में प्रबंधन जो है प्रबंधन गलत तरीके से मजदूरों का उपस्थिति ज्यादा दिखा करके जबकि उत्पादन और डिस्पैच जीरो है हर जगह और ये हड़ताल 100% सफल रहा और हम लोग अपने रणनीति के तहत अगर इस पर सरकार मजदूर विरोधी कदमों से अगर पीछे नहीं हटेगी जो मेरा 5 सूत्री मांग पत्र है उसमें सबसे पहला मांग कोल इंडिया में कमर्शियल माइनिंग वापस लो कोयला उद्योग के निजीकरण के साजिश के तहत जो काम हो रहा है अंदर अंदर इसको निजीकरण वापस लो निजीकरण का किसी तरीके का बात हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और CMPDI जो हमारा पूरे कोल इंडिया का प्लानिंग करता है उसको जो कोल इंडिया से अलग करने की बात है उसके विरोध में इसके साथ साथ हमारा जो है जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है 44 जो श्रम कानून था जो 4 कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की जो फैसला सरकार के तरफ से लिया गया है उसके विरोध में मजदूरों का जो हमारा हक है उसको बरकरार रहे और इसके पूर्व में NCAA 9 में
जो हाई पावर कमिटी के रिकमेंडेशन के तहत हमारे हाई स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का जो हाई पावर कमिटी का वेजेस देना था उसको भी तुरंत लागू करने के लिए और 940, 950 और 930 जो हमारा एग्रीमेंट है पहले से चला रहा है, जिसमें 930 जो मेरा डेथ केस का है वो ऑक्सीजन पे चल रहा है 3-3 महीना एक्सटेंशन में, 940 विगत 6.5 साल से बंद है, 950 में भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इन तमाम मुद्दों के लिए हम लोगों ने 5 सूत्री मांग पत्र जो दिया था, सरकार अगर इस हड़ताल के बाद भी अगर सरकार नहीं चेतेगी तो आगे हम लोग अपने रणनीति के तहत अगर जरूरत पड़ेगी तो कोयला उद्योग में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा और सरकार को मजदूर विरोधी फैसले के खिलाफ उनको जो है उनका जो अपना डिसीजन है उससे पीछे अगर नहीं हटेगा तो आगे अपने रणनीति के तहत हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी तैयार हैं। और संजू ट्रेड यूनियन मोर्चा द्वारा आहु 6 सूत्री मांगों के खिलाफ में जो 2-3-4 जुलाई जो हड़ताल घोषणा हुआ था, ये हड़ताल सब प्रतिशत सफल रहा, इसलिए मैं कोल इंडिया के मजदूरों को बधाई देता हूँ। आने वाला भी दिन में जो इससे भी लंबा हड़ताल होगा तो हम लोग हड़ताल करने तैयार है, कोल इंडिया के मजदूर भी तैयार है। जब तक भारत सरकार द्वारा कमर्शियल माइनिंग को वापस नहीं लेती है मेरा कोल इंडिया हड़ताल जारी रहेगा। ट्रेड यूनियन मोर्चा की 3 दिवसीय हड़ताल 2-3-4 जुलाई को पूरे कोल इंडिया में जो हड़ताल हमारा 100% सफल हुआ, इसमें हमारे कोयला मजदूरों की बहुत बड़ी जीत है। और आगे आने वाला जो समय है, जो भी हमारे ऊपर से जो हमारे नेता निर्णय लेंगे उस पर हमारे टोटल मजदूर और हमारे सभी ट्रेड यूनियन के साथी उस पर आगे हम लोग लगेंगे। और हम लोग भारत सरकार की जो केंद्र विरोधी मजदूर विरोधी जो नीति है उसको हम लोग नेस्तनाबूत करने का काम करेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे कि वो अपना कमर्शियल माइनिंग को वापस उनको लेना होगा। इसके लिए चाहे हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा हम लोग सभी संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के लोग मिल करके काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। और हमारे संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के सम्मानित साथियों, आप जानते हैं कि 2-3-4 जुलाई को 5वें केंद्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा और भी दूसरे ट्रेड यूनियन के द्वारा जो राष्ट्रीय पैमाने पर कोयला उद्योग में हड़ताल का आह्वान किया गया था वो सफल रहा। और सबसे उल्लेखनीय विषय यह है कि मजदूर स्वतः हड़ताल पर गए, कहीं संप्रेषण नहीं हुआ, उत्पादन भी बाधित रहा और जबरदस्त बाधित रहा। बहुत से कंपनियों का ये रिपोर्ट है कि एक छटा कोयला वहाँ नहीं निकला। इसलिए इसका मतलब यह है कि पूरा देश का कोयला मजदूर 3 लाख कोयला मजदूर आपका कमर्शियल माइनिंग और ये जो कोल इंडिया निजीकरण आदि 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने हड़ताल का जो आह्वान किया था वो हड़ताल वो आह्वान के साथ है। और मजदूर इस सरकार के कमर्शियल माइनिंग को और जो मांग है CMPDI वगैरह का जो निजीकरण को ये सारे को बैकअप करना चाहती है और वो बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले दिनों में अगर आवश्यकता पड़ा हम लोग लंबे हड़ताल में भी जा सकते हैं और जोरदार आंदोलन भी हम लोग करेंगे। सबको नमस्कार। वर्तमान में भारत सरकार की कोयला मजदूरों की ये जो जन विरोधी नीति लाई है इसके तहत कोल इंडिया का निजीकरण और कमर्शियल माइनिंग कोल ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ में केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा 2-3-4 जुलाई की हड़ताल का आह्वान किया गया। उसका हमारे क्षेत्र में B&K क्षेत्र में भरपूर मजदूरों द्वारा सहयोग मिला और हम इसलिए इस हड़ताल 100% सफल रही उसके लिए हम मजदूरों को बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने भारत सरकार की गलत मंसूबे को नकार दिया। आने वाले समय में इसी तरह मजदूर संगठनों की एकता बनी रहे और कोयला मजदूर हम लोगों का साथ देंगे, ये हम लोगों की पूरी भरोसा है उन लोगों पर। और इस तरह की चट्टानी एकता का परिचय जिस तरह से ये 2-3-4 जुलाई को लेकर चट्टानी एकता का परिचय दिया, हड़ताल की सफलता का श्रेय पूरे मजदूरों को जाता है। आने वाले समय में हम लोग सरकार की गलत मंसूबों को झुकाने का काम करेंगे। आगे जो रणनीति तय की जाएगी संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के द्वारा और
हमारे जो नेता अग्रणी नेता है कोल फेडरेशन के नेता, उनके द्वारा जो रणनीति तय की जाएगी उसको हम लोग सफल बनाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम होगा? मेरा नाम विजय कुमार भोई है, CI2 का मैं राज्य सचिव और बीएंड के एरिया MCOA का क्षेत्रीय सचिव। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।